16-17 साल का एक बच्चा कचरा उठाता है, कूड़ा कूड़ा उठाता है, और उसमें से जो भी पेपर या बुक्स का पेज वगैरह मिलता है वो उसे उठाकर अलग कर लेता है, और फिर उन्हीं पेपर या पेज को पढ़ता है, रीड करता है, बार बार पढ़ता है। वही बच्चा धीरे धीरे उन पेजेस को पढ़ते 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 उसको अमेरिका का फेलोशिप का वीजा मिल जाता है, अमेरिका से ग्रेजुएट करता है, बड़ा आदमी बन जाता है, जो कि झोपड़े वालों लोगों के लिए वो काम करता है। एक इंस्टीट्यूट वाला उसे, एक ऑर्गेनाइजेशन वाला उसे बुलाता है ताकि वो अपने इंस्टीट्यूट के बच्चों को मोटिवेट कर सके। उस इंस्टीट्यूट में जाने के बाद स्पीच देता है, स्पीच जब उनकी खत्म होती है तो पीछे से एक लड़की आवाज देती है, एक्सक्यूज मी सर, वो बोलता है यस, बोलो। वो लड़की पूछती, सर आपकी मम्मी क्या करती है? उन्होंने जवाब दिया, मेरी मम्मी दूसरे के घरों में बर्तन मांजती है, दूसरे के घरों में झाड़ू पोछा करती है। पूरे क्लास उसके ऊपर जोर से हंसता है, कहका मारकर हंसता है। फिर से वो लड़की सवाल करती है, सर आपके पापा क्या करते हैं? फिर से सर जवाब देते हैं कि मेरे पापा घोड़ा गाड़ी चलाते हैं। फिर से पूरा क्लास हंसता है, जोर जोर से हंसता है। उस लड़की के बगल में एक और लड़की बैठी रहती है, वो लड़की उससे कहती है, सर आपको शर्म नहीं आती? वो आदमी, वो नौजवान मुस्कुराता है उसकी तरफ देखकर, और वो कहता है कि मुझे शर्म तब आती जब मेरी माँ दूसरे की यहां चोरी करती, मुझे शर्म तब आती जब मेरा पापा दूसरे के यहाँ डाका डालता या दूसरों के साथ गाली गलौज करता या दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा करते या दूसरे के ऊपर जुल्म सितम करते, मुझे शर्म तब आती। मेरी माँ काम करती है, मेरे पापा काम करते हैं, मुझे उसके ऊपर फख्र है। आज मैं ये बातें क्यों कह रहा हूं, क्योंकि कुछ लोगों का ये सवाल, सर मुझे ना ग्रुप डी का नौकरी करते हुए शर्म आती है, मैं अपने रिश्तेदारों को बता नहीं पाता हूं शर्म से, क्या करूं? शायद अब उन्हें, उन लोगों को या इस तरह के जो लोग सोचते हैं, अब शायद उन्हें जवाब मिल गया होगा, काम है, काम से बड़ा कुछ नहीं। वर्क इज वर्शिप, इससे बड़ा कुछ नहीं, इससे बेहतर कुछ नहीं। भाई चोरी तो नहीं करते हैं ना हम लोग, आप डाका तो नहीं डाल रहे हो ना, आप एक मेहनत करते हो, उनका आपको फल देती है। बल्कि अफसोस इस बात पर होना चाहिए कि अब कोशिश इस बात पर होना चाहिए कि हमारा जो जॉब लग गया है, अब अपनी लाइफ को बैलेंस कैसे कर सकते हैं। तो पूरा सेशन जो है हम लोग इसी के इर्द गिर्द घूमने वाला है कि अपनी लाइफ को लेकर, खास करके उन लोगों के लिए जिनका जॉब लग चुका है या फिर जिनका जॉब जो है लगने वाला है। अब सोच इस बात पर होना चाहिए कि हमारी लाइफ बैलेंस कैसे हो, इस बात पर नहीं कि लोग क्या सोचेंगे कि हम कौन सा जॉब कर रहे हैं। हमारी जो जिंदगी होती है ना, हमारी जो लाइफ होती है, कुछ लोग इसे बिताते हैं, कुछ लोग इसे काटते हैं, और कुछ लोग इसे जीते हैं। हमारी जो लाइफ होती है ना, वो एक पहिए की तरह होती है जिसमें 6 तिलियां लगी होती है, फैमिली, फाइनेंशियल, फिजिकल, स्पिरिचुअल, मेंटल एंड सोशल। आपके जॉब लग गया, लाखों रुपए की सैलरी है आपकी पर मंथ, आपकी फैमिली ही नहीं है, आपकी लाइफ बैलेंस नहीं हो सकता। इन 6 तिलियों में से एक भी तिली अगर डिस्प्लेस हुआ, आपका लाइफ बैलेंस नहीं है, और अगर आपका लाइफ बैलेंस नहीं है ना, तो आप कभी खुश नहीं रह सकते, आप फिर जिंदगी जी नहीं सकते, आप काट सकते हो या गुजार सकते हो। आपके पास फैमिली भी है, पैसे भी है, आपकी फिजिक अच्छी नहीं है, आपका सेहत अच्छा नहीं रहता, आप हमेशा बीमार रहते हो, आपका लाइफ बैलेंस नहीं हो सकता। आपके पास पैसे भी है, आप बीमार भी नहीं रहते, आपके पास फैमिली भी है, लेकिन आप मेंटली पागल हो, आपका लाइफ बैलेंस नहीं हो सकता। आप मेंटली पागल भी नहीं हो, लेकिन आप देशभक्त नहीं हो, आप सोशली जीनियस नहीं हो, आपको लोगों का दर्द महसूस नहीं होता, आपका लाइफ बैलेंस नहीं है। 1923 में, 1923 में दुनिया में 8 लोग ऐसे थे जिनके पास इतनी प्रॉपर्टीज थी, इतना धन था, इतना माल दौलत था कि पूरे उस टाइम की जो अमेरिकी गवर्नमेंट है उससे भी ज्यादा थी अगर उन 8 लोगों की प्रॉपर्टी को ऐड कर देते तो। दुनिया की सबसे बड़ी गैस कंपनी का मालिक, 4 शॉप, दुनिया की सबसे बड़ी स्टील कंपनी के मालिक हावर्ड हफ्सन, दुनिया के सबसे बड़े उस टाइम के बैंक के मालिक लियोन फ्रेजर, ये सारे लोग ऐसे थे
कि इनके अगर इतने इनके पास इतना हुनर था, इतना इनके पास माल दौलत था, इतना इसको इस इल्म था इस चीज का कि माल दौलत कैसे कमाया जा सकता, लेकिन इनके लाइफ बैलेंस नहीं था। नतीजा क्या हुआ, इनके बारे में अगर आप देखोगे पढ़ोगे सुनोगे कि इनमें से ज्यादातर लोगों ने सुसाइड किया। इनकी फैमिली अच्छी नहीं थी, इनका जो लाइफ बैलेंस अच्छा नहीं था, ये सोशली अच्छे नहीं थे। इनमें से कुछ लोगों ने अपना जो बाकी जिंदगी वो जेल में गुजारा। इससे ज्यादा पैसे कमाने का हुनर किसके पास होगा, लेकिन लाइफ बैलेंस नहीं है। अब आपकी जिंदगी में जॉब आया है, अब आपकी जिम्मेदारी बढ़ गई है, आप चाहते हो उन लोगों की तरह बने जिसे हम लोग आए दिन गालियां देते हैं कि सरकारी गवर्नमेंट एम्प्लॉय ऐसे होते हैं या वैसे होते हैं, या फिर आप चाहते हो कि लोग हमें दुआ दें क्योंकि हम अपना लाइफ स्टाइल चेंज कर रहे हैं। मैंने एक सेशन में बताया था कि हैप्पीनेस का डिफाइन कैसे करते हैं, हैप्पीनेस का डिफाइन ही करते हैं कि हमारी लाइफ की जिंदगी गुजारने का अंदाज कैसा है, आपका अच्छा है या बुरा है, वो आपके हैप्पीनेस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका अंदाज कैसा है लाइफ जीने का। अब वक्त आ गया है लोगों की मदद करने का, अब वक्त आ गया कि मोहल्ला में कोई अगर गरीब पढ़ना चाहता है उसे फाइनेंशियली मदद का, अब आप वक्त आ गया कि अपने फैमिली को खुश रखने का, अब वक्त आ गया है कि आप सोशली अच्छे इन्वॉल्व होने का, लोगों की मदद करने का, जहां जहां जरूरत है जिनको जिनको जरूरत थोड़ा बहुत मदद करने का। इसके ऊपर फिक्र होना चाहिए, इसके ऊपर नहीं कि ग्रुप भी अच्छा है खराब है मुझे शर्म आती नहीं आती है, बल्कि अपने फख्र से कहो कि मैं जॉब करता हूं, फख्र से कहो कि मैंने मेहनत किया और उसका फल मिला मुझे, मैंने लोगों को कंपटीशन में कम्पीट करके मैंने निकाला है इस चीज के ऊपर। और आदत डालो, एक हाथी को कभी देखे हो, हाथी को एक रस्सी में बांधा जाता है जबकि उसके अंदर इतनी ताकत है, उसके अंदर इतनी एबिलिटीज है, इतना उसके अंदर पावर इतनी शक्ति है कि वो चाहे ना तो बड़ा से बड़ा मोटा से मोटा पैर को उखाड़ कर झटकों में फेंक दे, लेकिन फिर भी उसे रस्सी में जब बांधता तो रस्सी को क्यों नहीं तोड़ता, क्योंकि जब हाथी छोटा होता है ना उसे जंजीर से बांधा जाता है, मोटी जंजीर से, क्योंकि जब हाथी छोटा होता है जब उसे बांधा जाता है तो पूरा ताकत लगाता है, पूरा जोर लगाता है और बार बार लगाता है और उस जंजीर को तोड़ने की कोशिश करने लगे रहता है, लेकिन वो तोड़ नहीं पाता, वो फेल हो जाता है, वो हार मान लेता है, वो तोड़ने की कोशिश कर रहा है नहीं टूटता है, वो आदत बना लेता है कि यार मुझसे नहीं हो पाएगा ये। और एक टाइम आता है जब उसे एक रस्सी से बांधा जाता है, अब वो रस्सी तोड़कर आजाद हो सकता है लेकिन नहीं होता, क्योंकि वो उसके दिमाग में ये चीज बैठ गई है यानी मुझसे बुरा ही नहीं है, मुझसे होगा ही नहीं, मुझसे टूटेगा ही नहीं। याद रखना, अब आपके पास टाइम है, अब आपके पास टाइम है एग्जाम निकालने का भी, अब आपके पास टाइम है लोगों को मदद करने का भी, अब आपके पास टाइम है लोगों के दूसरों को मदद करने का, दूसरों के दर्द महसूस करने का भी। अब आप ये नहीं कह सकते कि मैं कर नहीं सकता। हाँ, अगर आपने आदत नहीं बनाया तब आपको ये प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि आप अभी स्टार्टिंग में है, हो सकता है कि अभी आपको जंजीर तोड़ने में मुश्किल हो, लेकिन याद रखना कि जब हाथी की तरह अपनी जिंदगी कभी मत गुजारना, जब आप रस्सी तोड़ सकते हो रस्सी को जरूर तोड़ देना। और अपने फख्र के अब लास्ट में मैं सेंटेंस जरूर बोलूंगा कि फख्र से कहना कि आप जॉब करते हो, चाहे वो बात कोई भी आपसे सवाल करे, चाहे वो दुनिया का कितना भी बड़ा इसे बड़ा आदमी या बड़े से बड़े ओहदा वाला आपसे सवाल करे, आप सीना और कॉलर उठा के कहना कि मैं ग्रुप बी में जॉब करता हूँ और मुझे अपने काम पर फख्र है। थैंक यू।